हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है और उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है तो हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, या कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं फरारी का पंचनामा, ताकि यदि व्यक्ति गायब है और आप उसको कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहा, आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपराध करने के बाद सीधे गायब हो जाते हैं, ठीक है। आप बार बार उन्हें ढूंढने जाते हो, मिलने जाते हो, उनके घर जाते हो, कोई कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो गलती कि उसको लिखित में नहीं लेते हो कि आप उसके घर कब गए, कब उसका पता किया, ये सब बस पता करते रहते हो, लिखित में लेते नहीं है। तो अब क्या होता है, आप न्यायालय में साबित नहीं कर पाते कि आप उसके वहां गए या कुछ किया। तो आप जितनी भी बार फरार हुए व्यक्ति को ढूंढने जाते हैं या पता करने जाते हैं, आप पंचनामा बनाते जाएं, तो उसे बोलते हैं फरारी का पंचनामा। तो उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम बहुत सारे लेसन कर चुके हैं, आप जरूर उनको देखिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस नंबर पे जो दिया है, फरारी का पंचनामा, या मुलजिम ना मिले या अपराध करने के लिए भाग, अपराध करने के बाद भाग जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यदि कोई व्यक्ति मौके पे अपराध किया और गायब, तो अपराध करके क्या करेगा, वो भाग जाएगा, ठीक है। अपराध करके यदि वो भाग गया है तो या तो अपने घर जाएगा, तो संभावना है कि घर नहीं जाते। कई बार तो ऐसा होता है, मान लीजिए जैसे तीन व्यक्ति ने अपराध मिलकर किया, उनमें से यदि एक व्यक्ति क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया, तो बाकी उन दो को पता चल जाता है कि यार अपराध के जो हमने अपराध किया था उन्हें मतलब अधिकारियों या कर्मचारियों को पता चल गया है और एक व्यक्ति को पकड़ ले गए, अब हमारी बारी है। तो वो क्या है, मौके से फिर गायब हो जाते हैं, अपने घर में भी नहीं मिलते। ये तब के लिए है कि आप फिर क्या प्रक्रिया अपनाओगे। तो क्या है इसमें, देखो कि परिवार वाले और पड़ोसियों से जाके वहां पे पूछोगे, ठीक है। ज्यादा संभावना यही रहती है कि ना तो परिवार वाले उनको आपको सही बताएंगे, ना पड़ोसी बताएंगे, वो सही सही नहीं बताएंगे, ना उसका घर आने का सही समय बताएंगे, ना घर से जाने का, ना उसके स्थान छिपने का, ना ये बताएंगे कि कहाँ गया, कब से गया, सब गोल मोल बात करेंगे। आपको गलत सूचना या अस्पष्ट सूचना देंगे जिससे आप कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। कुल मिला के उनके बहकाने का मतलब यही होगा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जिससे आप इसको पकड़ सकें। परिवार वाले पड़ोसी वाले मिथ्या जानकारी देंगे आपको, ये सब ठीक है पंचनामा में। लेकिन अब आपको करना क्या है कि आप किस तारीख को उनके वहां गए, दिनांक क्या था, समय क्या था, कौन कौन मिला, उनका नाम, उनका पता, पूरी जानकारी लिखो और बताओ कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ गया है, कब गया है, अपराध वाले दिन कहाँ था, गोल मोल किया जाता है, ताकि एक चीज ये क्लियर हो कि घर वाले भी मतलब उस नहीं बताना चाहते अपराधी के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि इस चीज का आपने स्पष्ट जिक्र कर दिया है पंचनामा में, फिर आप न्यायालय जाते हैं और वो व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के लिए फिर वारंट भी जारी कर सकता है जो आपको सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, ठीक है। कल को ऐसा ना हो कि आप उसे गिरफ्तार करके ले जाए, न्यायालय आपके ऊपर स्पष्टीकरण दे दे कि आपने क्यों उसे पकड़ा, उसको पकड़ने की क्या जरूरत थी। आप बार बार बोलेंगे कि ये सहयोग नहीं कर रहा था, फरार हो रहा था, लेकिन आपके पास क्या है, ये भी पंचनामा नहीं है कि वो सहयोग नहीं किया। यदि वो व्यक्ति आपकी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, भाग जा रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप इसको लिखित में लें। जब आप इसको लिखित में प्रस्तुत करेंगे और वो व्यक्ति नहीं सहयोग करेगा, भाग जाएगा, तो उसके फिर वारंट भी जारी हो जाएगा, न्यायालय उसको पकड़ाएगा फिर, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिखित में लेनी पड़ेगी। ये सब इसलिए जरूरी है कि अपराधी पकड़े जाने पर भी वह यह ना बोले कि उसके घर ना कोई आया, ना उसे पता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप उसके घर बार बार गए, उसके रिश्तेदारों के जहां जहां आपको सूचना मिली आप वहां वहां गए उसको देखने पकड़ने, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब आगे चल के वो फिर न्यायालय में क्या बोलेगा, नहीं मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मेरे घर तो कोई आया ही नहीं, ना मेरे घर वालों ने बताया, ना घर वालों को इन्होंने कुछ बताया, झूठ से बोल रहे हैं। तो आप यदि ये चीजें लिखित में लेते रहेंगे, ठीक है, उसके वहां कितनी बार गए, वहां के भी फोटो ले लें, हो सकता है तो आप वीडियो तक बना लें कि अब आप इस तरीके को जाते थे, ये व्यक्ति घर का मिला और उन्होंने ये चीज कही, इस चीज का वीडियो भी बनाते चले, हो पंचनामा में भी लेते चले, ताकि आप जाके न्यायालय में इसको प्रस्तुत कर पाए कि संबंधित व्यक्ति झूठ बोल रहा है, घर वाले उसके सहयोग नहीं कर रहे थे और नए व्यक्ति कर रहा था, ठीक है। तो ये बहुत आपको बचाएगा और व्यक्ति को मतलब अपराध गिरफ्तार करने में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। कई बार नहीं तो आप कम सजा वाले अपराध में यदि उसको गिरफ्तार कर लोगे तो न्यायालय से आपको दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही गिरफ्तार करना है, ताकि आप कितनी बार उसके वहां गए, उसको कहाँ कहाँ ढूंढा, ये सारा विवरण आपको लिखित में पंचनामा में लेना है, तो ये फरारी के पंचनामा में आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको देख भी सकते हैं कि इस तरह से कि अपराध क्रमांक कौन सा, उसने अपराध किस दिन किया, वो सारा हो जाएगा, कौन सी धारा के तहत अपराध उसको आपने अपराधी बनाया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा,
पंचनामा आप किस किस दिन जब जब उसको जहां जहां पकड़ने जाते हैं बिल्कुल दिन दिनांक समय सहित पंचनामा बनाओ। किससे पूछ रहे हो उसका वीडियो भी आप बना सकते हो, चाहो तो वीडियो को संलग्न भी कर सकते हो पंचनामा में अलग से सीडी बना के। ठीक है, पंचनामा बनाने वाला अधिकारी, पदनाम, पंचनामा किन के सामने बनाया गया, जो फरार है वो व्यक्ति वो कौन है, वो फरार होने का उसका कारण क्या है, कौन सा उसके ऊपर अपराध है, और साथ में ये सब चीजें कि जानबूझकर सत्य और साक्ष जो मिथ्या जानकारी दी गई है, चाहे उसके घर परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, या उसके आस पड़ोस वाले हो, तो इसका ये फायदा मिलेगा कि वो कभी जब भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो झूठ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, और जो आपके साथ गवाही, जो आपके साथ गए हैं या और भी जो वहां पे व्यक्ति हैं उनके हस्ताक्षर कराओ कि हाँ आप लोग आए थे और इनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो गवाही भी हो गए, आप गए भी हैं, आप यदि फोटो नोट कैम से फोटो भी ले लोगे उसके घर की उस तारीख की, और साथ में यदि वीडियो भी बना लो तो और अच्छा है, आप वीडियो भी प्रस्तुत कर सकते हो कि आप कितनी बार उसको पकड़ने गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बस आप ऐसा नहीं है कि कम मतलब अपराध जो है ज्यादा कठोर श्रेणी का अपराध ना उसने किया हो जिसको दंड कठोर मिलना हो, समान अपराध किया हो और आप उसको तत्काल पकड़ के ले गए गिरफ्तार करके, तो कई बार न्यायालय से आपको दिक्कत हो सकती है। तो जरूरी है गिरफ्तार तभी करें जब वो आपको सहयोग ना कर रहा हो, और इसके उसको फिर आप यदि चाहो कि उसको क्या हो, उस व्यक्ति को जमानत भी ना मिले तो वो भी आपकी ये सारी चीजें आपकी काम करेंगी। उस व्यक्ति को जमानत ना मिले इसके लिए जरूरी है कि वो आपका सहयोग नहीं कर रहा, इसको आप लिखित रूप में ले। जब आप ये बात लिखित रूप में दिखा पाएंगे तो जज साहब को स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इस अमुक व्यक्ति ने जांच में सहयोग नहीं किया है, तो उसकी जमानत भी खारिज हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, जमानत खारिज हो जाएगी उसकी। और यदि आप ये लिखित रूप में नहीं दिखा पाए कि वो आपको सहयोग नहीं कर रहा, तो जमानत उसको मिल भी सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।